गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष योगानंद शास्त्री ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार पनप रहा है वो देश हित के लिए ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही गांधी जी का सपना था जिसे हम लोगों को साकार करना है। गांधी जी यही चाहते थे कि समग्र रूप में हम भारतीय संस्कृति को अपनाएं और उसी के माध्यम से देश को चलाएं। लोग आज ये जबर नहीं है जो भ्रष्टाचार फैला है, अनाचार है, और क्या कहेंगे आप, कहाँ है गांधी जी के पास आपके जी है ना? आप दुनिया देखते हैं, पत्रकार के नाते आपको सब पता है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस समय अनाचार, भ्रष्टाचार सब कुछ पनप रहा है, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सदा ये ऐसा ही रहेगा। इस देश के लोगों की अस्मिता जागेगी और फिर से हम भारत को महान बनाने में लगेंगे। वो तभी हो सकता है जब गांधी जी के रास्ते पर हम चलें। गांधी जी का बहुत व्यापक प्रभाव न केवल हिंदुस्तान पर बल्कि दुनिया में भी था। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। गांधी जी को खाकर किसी ने शिकायत की कि पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। संयुक्त पंजाब था उस समय, हिमाचल और हरियाणा भी इकट्ठा थे। वो आपके प्रिंट मीडिया में छप गया। अगले दिन गोपीचंद भार्गव ने जो पढ़ा तो क्या हालत उनकी हुई उसका बयान यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन वो तुरंत दिल्ली दौड़े, गांधी जी के पास गए। गांधी जी प्रार्थना सभा में जा रहे थे, चरणों में लेट गए और कहा गांधी जी मेरे से क्या दूर हो गई। गांधी जी ने स्वाभाविक रूप से पीठ कम सफाई ऊपर उठाया, चूकी है, और कहा कि अपना काम ठीक से चलाइए, इतना भर कहा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि गांधी जी का केवल ये कहना कि भार्गव साहब मुख्यमंत्री हैं, बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उसका क्या प्रतिक्रिया हुई और उसका क्या असर हुआ होगा लोगों पर, आप ये बड़ी बात जान सकते हैं। देखिए, वो जो पीढ़ी थी वो तपी तपाई थी, गांधी जी के आदर्शों पर चल रही थी। नेहरू जी और किदवई साहब में एक बार मतभेद हो गया कृषि नीति पर। कृषि मंत्री थे किदवई साहब, इस्तीफा दे दिया। अगले दिन सुबह तांगा मंगाया, अपने कपड़ों की पोटली बांधी, दो जोड़ी कपड़े रखे थे, पोटली बांधी और पुरानी दिल्ली में चले गए। आज क्या हालत है? ब्यूरो रिपोर्ट, संचार टाइम, दिल्ली।